अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल बेस्ट किचन एंड व्लॉग। आज जो है मैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ऐसा जो है फालसा शरबत बनाने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं ऐसे बना कर पिया होगा। तो मैं आपको इसमें चीज़ें बता देता हूँ कि फालसा जो है हमने लिया है एक पाव की हम जो है ये रेसिपी बना रहे हैं फालसा शरबत की। और साथ में हमने लिया है काला नमक 1 टीस्पून, पुदीना हमने लिया है 8 से 10 पत्ते, और चीनी जो है ये हम तकरीबन 3 से 4 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। वो हसबे जो है जायका ज़रूरत आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। बर्फ़ हमने ली है, बर्फ़ के क्यूब, और साथ में हमने ली है 7 अप। तो अब शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसको बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट और रेसिपी को बनाना करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है ये फालसा इसको हम जग में डाल लेंगे। ये आपने जहन में रखना है कि फालसे को आपने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। ये देखें, फ्रेश फ्रेश जो है आपने फालसा लेना है। उसके बाद इसमें हम ये पुदीने के जो 8 से 10 पत्ते ये हमने ऐड कर दिए। उसके बाद ये काला नमक हमने 1 टीस्पून ये ऐड कर दिया। उसके बाद चीनी जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4 टेबलस्पून आपने चीनी ऐड करनी है। अब हम इसमें 7 अप को ऐड करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कितनी ऐड करनी है। ये 1 गिलास, ये दूसरा गिलास, 2 गिलास आपने इसमें ये 7 अप डाल देनी है। इस तरीके से इसको निचोड़ने के बाद हम इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो बाकी की जो 7 अप है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आपने टोटल जो है 4 गिलास 7 अप के हिसाब से आपने बनाना है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा रेड फालसा शरबत, फालसा सोडा भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार हो गया। अब हम इसको ग्लास में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरे ग्लास में भी आपको डाल के दिखाएंगे।
फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मजेदार किस्म का जो है फलसे का शरबत हुआ तैयार। ये देखें कैसे जो है इसकी मैंने लेमन की भी जो है डेकोरेशन की। ये देखें ऐसे लगता है जैसे सूरज निकला हुआ है। आपको मैं ये नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसमें हम करेंगे बर्फ़ के जो हैं क्यूब्स जो हैं ये ऐड कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इस तरीके से ये आप देख सकते हैं बर्फ आप अपने हिसाब से जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमने जो है दो क्यूब्स बर्फ के डाले हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं किया। आप ज़्यादा ठंडा भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही मैं कहता हूँ कि मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये फालसा शरबत तैयार हुआ है। गर्मियों का सीज़न है तो आप ज़रूर ये घर में बनाएं, ट्राई करें और आप कहेंगे कि वाकई में जो है फालसे का शरबत बना है। तो इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।